तो इंडिया में भी गेमिंग डेवलपमेंट के वीडियोस बनने लगे हैं, जिसको शॉर्ट में डेव लॉग्स बोलते हैं, और ये वीडियोस देखने में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, इन सारे वीडियोस में कार्टून गेम्स को बनाया गया है। अब कुछ लोगों को कार्टून्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कार्टून्स पसंद नहीं होते। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कार्टून से ज्यादा सुपर हीरोज और एनिमीज देखना पसंद है, तो ऑब्वियसली मुझे उसके डेवलॉग्स या फिर गेम खेलना भी पसंद होगा। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे इस कैटेगरी के ऊपर किसी ने भी गेम नहीं बनाई है। सो एज अ सुपर हीरो फैन मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक सुपर हीरो गेम बनाऊं, एंड दिस इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो। मजा नहीं आ रहा है। म्यूजिक तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम किस सुपर हीरो के ऊपर गेम बनाएं, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं और सभी को अलग अलग सुपर हीरोज पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हम किसी के पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो को यूज करने के बजाय हम सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में तीन नाम आते हैं, स्पाइडरमैन, आयरन मैन एंड थोर। अब इन तीनों में से सबसे पुराना है स्पाइडरमैन, तो ऑब्वियसली इसकी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा होगी। सो हम यहाँ पे स्पाइडरमैन के ऊपर गेम बनाने वाले है। सो ये रहा हमारा न्यू प्रोजेक्ट। बिना टाइम वेस्ट किया सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राउंड ऐड करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे कैप्सूल। अब देखो कैप्सूल मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हम कैप्सूल को एज अ प्लेयर की तरह यूज करने वाले हैं, और जब सारी फंक्शनलिटी सब कुछ डन हो जाए उसके बाद हम कैप्सूल को प्लेयर के 3D मॉडल के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब सबसे पहले हम प्लेयर की मूवमेंट और उसके कैमरा पर काम करेंगे, और ये सारी चीजें मैंने बहुत बार करी हुई है, सो मेरे लिए सिर्फ 5-10 मिनट का काम। सो यहाँ पे मैंने एक जॉयस्टिक ऐड की है जिससे हम अपने कैरेक्टर को मूव करवा पाएंगे। अब यहाँ पे दो और चीज़ें मिसिंग है, पहली तो है स्प्रिंट और दूसरी है जंप। इन दोनों फंक्शनलिटी के बिना गेम खेलने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा और कोड करने के बाद ये दोनों चीज़ें अब गेम के अंदर ऐड हो चुकी। और अभी बारी आती है गेम में मेन चीज़ें ऐड करने की, जो कि है स्पाइडरमैन की एबिलिटीज। अब स्पाइडरमैन के पास कुछ ज़्यादा एबिलिटीज है, और इतनी सारी एबिलिटीज को गेम के अंदर डालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पाइडरमैन की मेन एबिलिटीज कोई गेम के अंदर ऐड करूंगा, जो कि है स्विंग एंड ग्रैपल। अब स्विंग उसे कहते हैं जब स्पाइडरमैन हवा में झूलता है, और ग्रैपल उसे कहते हैं जब स्पाइडरमैन किसी भी पॉइंट पे अपने दोनों हाथों से जाल फेंकता है और उसी जाल को खींचता है जिससे वो उस डायरेक्शन में मूव होता है। ये दोनों एबिलिटीज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो कॉम्पोनेंट की जरूरत होगी, पहला तो है स्प्रिंग जॉइंट एंड दूसरा है लाइन रेंडरर। अब इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को अगर बेसिक में समझाओ तो स्प्रिंग जॉइंट का काम ये है कि ये हमारे प्लेयर की पोजिशन से टारगेट पोजिशन के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन बना देगा, और उसी कनेक्शन की मदद से हम स्पाइडरमैन की तरह स्विंग कर पाएंगे। और दूसरा कंपोनेंट है लाइन रेंडरर, ये हमारे प्लेयर की पोजीशन से टारगेट पोजीशन के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करेगा, और आगे जाके हम इस बेसिक से लाइन के अंदर थोड़े से मटेरियल्स और टेक्सचर डाल के इसको प्रॉपर स्पाइडरमैन की वेब का शेप दे देंगे। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को कोड से हैंडल करना है, जो कि बहुत ही इजी है। तो थोड़ा सा और कोड करने के बाद ये दोनों एबिलिटीज अब मैंने गेम के अंदर डाल दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब हम प्लेयर की सारी फंक्शनलिटी डन कर लेंगे उसके बाद हम स्पाइडरमैन के 3D मॉडल को गेम के अंदर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मुझे 3D मॉडल्स बनाना नहीं आता है, तो अब हमें मॉडल इंटरनेट से फाइंड करने होंगे। लकीली यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्केच फैब। इस वेबसाइट पे तुम हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक स्पाइडरमैन का 3D मॉडल मिला है जो कि कमर्शियल फ्री है, सो हम इसको आराम से गेम के अंदर यूज कर सकते हैं। सो मैंने इस 3D मॉडल को डाउनलोड करके गेम के अंदर इम्पोर्ट कर दिया है, और अब यह गेम कुछ इस तरीके से लग रही है। अब बारी आती है गेम में एनिमेशन डालने, क्योंकि बिना एनिमेशन के तुम देख पा रहे हो कि हमारा 3D मॉडल जो है वो बिल्कुल ही टी पोज के अंदर खड़ा है। सो गेम के अंदर एनिमेशन डालने के लिए पहले हमारे पास एनिमेशन होनी चाहिए, और मुझे एनिमेशन बनाना नहीं आता है, सो फिर से हमें इंटरनेट से ही एनिमेशन को ढूंढना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है मिक्सामो। इस वेबसाइट के अंदर तुम लोग 3D मॉडल्स या फिर एनिमेशन को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और इनको तुम कमर्शियल यूज में भी ले सकते हो। सो मिक्सामो में जाके मैंने आइडल, वॉक, रन, जंप, स्प्रिंट, स्विंग और भी बहुत
बहुत सारी एनिमेशंस को डाउनलोड कर लिया है। इन सभी एनिमेशंस को मैंने गेम के अंदर इंपोर्ट कर दिया है और अब बारी आती है इन सभी एनिमेशंस को कोड के थ्रू कंट्रोल करने की। पूरे 2 घंटे दिमाग घिसने के बाद अब ये सारी एनिमेशंस कैरेक्टर के साथ वर्क करने लगी है। अब हम गेम में ऐड करेंगे एनपीसी, क्योंकि बिना एनपीसी के ओपन वर्ल्ड गेम अधूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक एनपीसी को ऐड किया है। अब ये मत पूछना कि कैसे ऐड किया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताना। अगर कुछ ज्यादा ही बंदे एक्साइटेड है ये सीखने के लिए तो मैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। बैक टू द वीडियो, अभी तुम लोग एनपीसी के साथ फाइट कर सकते हो और अगर तुम एनपीसी की उंगली करके भागोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम बच गए हो तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे पीछे भागेगा तुमको पहलने के लिए। और यहाँ पे मैंने रैगडॉल भी ऐड की है बट अभी भी कुछ फील नहीं आ रहा। तो हमने प्लेयर और एनपीसी दोनों को बना लिया है। तो अब हम एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम प्रोटोटाइप वाला एनवायरनमेंट ही यूज कर रहे हैं। और हम स्पाइडरमैन की गेम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिटी ऐड करना होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन ज्यादातर सिटी में ही रहता है और ये गेम ओपन वर्ल्ड होगी तो हमें थोड़ा सा बड़ा सिटी रखना होगा। तो मुझे इंटरनेट पे एक यूनिटी पैकेज मिला है जिसमें सिटी बनाने के लिए जो भी 3D मॉडल्स चाहिए वो सारे 3D मॉडल्स अवेलेबल है। और इस पैकेज के अंदर प्रोसीजर जनरेशन की स्क्रिप्ट भी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि प्रोसीजर जनरेशन क्या होता है उन लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊं, तो प्रोसीजर जनरेशन उसे कहते हैं जिसमें 3D मॉडल्स के एसेट और कोड के एल्गोरिदम्स को मिक्स करके रैंडम सिटी बनाई जाती है। अब जितनी बार भी तुम यह स्क्रिप्ट यूज करके सिटी बनाने जाओगे उतनी बार वो सिटी पुराने वाले सिटी से अलग होगी, मतलब कि एवरी टाइम न्यू सिटी जनरेट होगी। तो इसी कोड को यूज करके मैंने यहाँ पे हमारी गेम के लिए एक सिटी बना ली है और यह सिटी मैंने गेम वाले सीन के अंदर एड भी कर दी है। अब मुझे थोड़ा बहुत फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों यूज करना आता है, तो मैंने गेम के आइकॉन्स, लोगोस और थोड़े बहुत टेक्सचर को भी एडिट करके गेम के अंदर डाल दिया है। अब फाइनली गेम कुछ इस तरीके से लग रही है। अब वीडियो 7 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो इसके बाद मैंने क्या ऐड किया वो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके बाद मैंने बहुत सारे एनपीसीज को गेम के अंदर ऐड कर दिया है जो कि पूरे सिटी में घूमते रहेंगे, और मैंने बहुत सारे फूड सेंटर्स गेम के अंदर प्लेस कर दिए हैं। तो अगर तुम्हारी हेल्थ कम हो जाए तो तुम फूड खा के अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। और मैंने एक होम स्क्रीन भी ऐड कर दी है। तभी फाइनली ये पूरी गेम बन चुकी है और इस गेम को मैंने गूगल प्ले स्टोर के अंदर पब्लिश भी कर दिया है। तो अगर तुम लोगों को डाउनलोड करनी हो तो जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वहां पे तुम पहुंच जाओगे। ये वीडियो मेरी चैनल का पहला वीडियो है, शायद तुम लोगों को ये अनप्रोफेशनल लगा होगा बट डोंट वरी, आगे के वीडियो में इससे भी ज्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में हम हॉरर गेम बनाने वाले हैं, सो अगर तुम्हें देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।